पहला आर्टिकल ये होता है कि किसी को किसी पर किसी तरह की कोई फजीलत नहीं, और कानून की आंख में सब हर कोई बिल्कुल बराबर है। किसी को किसी पर किसी तरह की कोई फजीलत नहीं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आर्टिकल 14 है, दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में, और दुनिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं शताब्दी में लिखना शुरू हुए थे। क्या आपको इस बात पे कुर्बान नहीं जाना चाहिए कि दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 17वीं शताब्दी में लिखा गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपके आका ने 1447 साल पहले हुज्जतुल विदा के मौके पर सबके सामने तकरीर में पहला आर्टिकल यही कहा था कि तुम में से किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरब को किसी अजम पर, किसी अजम को किसी अरब पर, किसी मालदार को किसी गरीब पर, किसी गरीब को किसी और पर, किसी को किसी पर किसी तरह की कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह की निगाह में सिवाय तकवे के तुम सब बराबर हो। हुज्जतुल विदा का आर्टिकल है, ऐसे का ऐसा दुनिया के सारे संविधानों ने उसको कॉपी किया, और फिर वहां से वो आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आया। अल्लाह की नजर में अरब हो, अजम हो, कोई भी हो, कोई किसी के ऊपर कोई फजीलत नहीं रखता सिवाय तकवे के। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फजीलतें ऊंची हो तो तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। ये पहली चीज जो दुनिया को दी वो कोई और नहीं, हमारे पैगंबर थे। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास एक मसला आया, और मसले में कुरैश की एक बहुत बड़े खानदान की, बड़ी अमीर कबीर खानदान की एक औरत थी, उनके ऊपर एक इल्जाम था जिसकी सजा उन पर आई थी। नबी पाक के पास डेलीगेशन के डेलीगेशन आ रहे थे कि ये बहुत बड़े खानदान के बहुत बड़े सरदार की बेटी है, तो आप इन पर सजा आयद ना करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दूसरा कानून यहां दिया जो दुनिया के हर संविधान में ऐसे के ऐसे कॉपी किया गया, उसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। आप जब किसी वकील से मिलेंगे या वकालत की पढ़ाई करने वाले बच्चे से पूछेंगे तो वो बताएगा रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। दुनिया की सबसे पाकीजा बीबी, जो आपकी दुख्तरे नेक अख्तर भी थी, जिनसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इस बात को दिलों में बिठाने के लिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं, जब आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह ये बहुत बड़े खानदान की बहुत मानी हुई हैं औरत, आप इन पर सजा को कुछ कम कर दीजिए, तो आपने कानून सबसे ऊपर है इस बात को दिलों में डालने के लिए कहा कि इनकी जगह अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो सजा यही होती। कानून के ऊपर कोई नहीं, रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक बराबर है। ये बात दुनिया को पढ़ाने वाले अगर सबसे पहले कोई है तो आपके पैगंबर है। 17वीं शताब्दी में लोगों ने इसे अपनी किताबों में लिखा, 17वीं शताब्दी में, और 1447 साल पहले कोई ये सारे नियम देकर जा रहा है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 15 आता है, 15 नंबर का आर्टिकल, वो ये कहता है कि दुनिया में किसी की नजर में कोई किसी से बड़ा नहीं सिवाय तकवे के, लेकिन गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। यह आर्टिकल 15 कहता है। क्या करना चाहिए?
तो कहा इन्हें ना बराबरी का दर्जा देने के लिए बहुत जरूरी है कि बराबरी का दर्जा इन्हें देने के लिए किसी तरह का कोई एक कदम सरकार को उठाना चाहिए। तो सरकार ने रिजर्वेशन का कानून लाया, भाई आप एक बहुत बड़े ऑफिसर के बहुत बड़े बच्चे हैं, आपका आईएएस पास करना आसान है, लेकिन रिक्शे वाले का जो बच्चा है उसके घर के हालात ऐसे नहीं है कि वो आईएएस का एग्जाम पास कर सके, तो उसे कम नंबर पे भी सिलेक्ट किया जाएगा, इसे रिजर्वेशन कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए रिजर्वेशन कैसे रखा है। हमारे यहां जाति के आधार पर हम रिजर्वेशन देते हैं, जाति और धर्म, धर्म तो नहीं, जाति के आधार पर हम रिजर्वेशन देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि सब बराबर नहीं है, सबके घरों के हालात एक जैसे नहीं है, तो वो जातियों और कबीलों के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देते बल्कि माशियत और इकोनॉमी के आधार पर इस्लाम में रिजर्वेशन है। मिसाल के तौर पर आपने बकरीद के गोश्त के तीन हिस्से आपको करना है, एक हिस्सा उसमें से आप छू नहीं सकते, वो गरीबों और मुफलिसों का, क्या ये रिजर्वेशन नहीं? क्या ये रिजर्वेशन नहीं? आपके फितरे और जकात को आपके ऊपर, जब तक आपकी हालात खराब ना हो, आपको फितरा और जकात निकालना है, लेना नहीं है, क्यों? वो भी किसी का हक है, पहले आपको उसका हक उसे पहुंचाना है। ये चीजें दुनिया ने लफ्जों को बदल कर अपनी किताबों में लिखा और उसे संविधान का नाम दिया। अगर हम गौर से देखें तो ये सब सीरत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात कोई और है कि बराबरी का हक हम में से हर किसी को, ये बात कोई और बात है, हर किसी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, हर किसी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, जो बहुत पीछे है उसे आगे ढकेलने के लिए उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये भी ठीक है। जो बहुत दबा हुआ, बहुत कुचला हुआ है, जिसके हालात बहुत खराब हैं, उसे थोड़ा ज्यादा पुश देना चाहिए, ये भी ठीक है, पर कितना पुश देना चाहिए? अब सुनिए एक मौजजा जो मैं आपको दिखाता हूं अपने नबी की करामत। फतेह मक्का का दिन था, अल्लाह के रसूल मक्के में दाखिल हुए, हम सब ने किस्सा सुना हुआ है, आप बुतों को इशारा करते, बुत गिरते, नाक के बल टूट जाते। फतेह मक्का का जुलूस जब निकला तो एक कुतिया थी जिसके बच्चे हुए थे, वो लेट कर अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए, एक साहबी को वहां मुतय्यन किया और कहा इतना बड़ा जुलूस यहां से गुजरने वाला है, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देखता हूं, देखना कि इस मां को जो कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है कोई खदेड़ ना ले, और जब जुलूस गुजर जाए तो तुम फिर आखिरी पीछे से चलना। आप फतेह मक्का के दिन मक्का में पहुंचे, चारों तरफ बुत थे, आपके इशारों से वो गिरते और नाक के बल टूट जाते, बुतों को तोड़ते तोड़ते और काबे को खाली पाकीजा करते करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल कहाँ है? तो कहा हुजूर ये हैं। बिलाल को आगे लाया गया। हजरत बिलाल आप जानते हैं कि अफ्रीका के थे, उनकी चमड़ी काली थी, उन्हें गुलाम बनाकर पहले मारा जाता था, नबी पाक की सोहबत ने देखिए उन्हें कहां पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल कहते हैं बिलाल कहां है? बिलाल को आगे किया गया, कहा है बिलाल काबे की छत पर चले जाओ और जोहर की अजान दे दो। दो मिनट हजरत बिलाल सख्ते में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, कहा है बिलाल काबे की छत पे जाओ और वहां से खड़े होकर अजान दो। हजरत बिलाल को यकीन नहीं हुआ,
कहा हुजूर मैं काबे की छत पे चला जाऊं? बोले हां काबे की छत पे चढ़ जाओ। जो हजरत बिलाल के आंसुओं का बहना जारी हुआ है और जो मुसर्रत से वो काबे की छत पर गए हैं, दुनिया में फतह मक्का के दिन मुसलमानों की इबादत गाह जो कयामत तक मुसलमानों का मरकज है, जिसकी तरफ मुंह करके हम नमाजें पढ़ेंगे, उसकी छत पर सिर्फ बराबरी का हक नहीं दिया, एक काले हबशी गुलाम जिसने कलमा पढ़ा तो कलमे के सदके उसे सिर्फ बराबरी का हक नहीं दिया, बल्कि उसे दुनिया के सबसे मुकर्रम जगह की छत पर खड़ा कर दिया। और जब हजरत बिलाल ऊपर चढ़े हैं और उन्होंने देखा है काबे का सहन और वो जगहों को देखा जहां उन्हें मारा जाता था, जब हजरत बिलाल ने देखा उन जगहों को जहां उन पर जुल्म ढाया जाता था और फिर नबी पाक को देखते, तो आप रोने लगते कि इन जगहों के सेहन में कभी मुझ पर जुल्म ढाया जाता था, आज इसकी सबसे मुकद्दस जगह पर मेरे नबी पाक ने मुझे खड़ा कर दिया। और आप रोते और सोचते कि अब मैं किसकी तरफ मुंह करके अजान दूं, क्योंकि मुअज्जिन, आज हमारा अजान का कंपटीशन है, मुअज्जिन हमेशा काबे की तरफ मुंह करके अजान देता। आप तो काबे के ऊपर खड़े हैं ए बिलाल रजी अल्लाह ताला, आप तो काबे की छत पर खड़े हैं, बताइए आप किसकी तरफ मुंह करेंगे? तो हजरत बिलाल रोकर अल्लाह के रसूल की तरफ मुंह कर करके अजान देते, कहते अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहद अन्न मुहम्मद रसूलल्लाह। 2024 में खड़ा हूं और आप बैठे हैं, क्या वेटिकन सिटी रोम किसी को अपने गुंबद पे खड़े होने की ऐसी इजाजत दे सकता है? क्या बड़े से बड़े राज राजेश्वर मंदिर किसी दबे हुए कुचले हुए को अपने मजहब में आने के बाद अपनी गुंबद पे खड़ा कर सकते हैं? ये अल्लाह के रसूल ही थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दामन पकड़कर कलमा पढ़ने के बाद ये इजाज मिलता कि आप दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह पर भी खड़े हो सकते थे। ये है वो ताकत जो आपके पैगंबर इस दुनिया में लेकर आए थे, ये है वो ताकत दुनिया को तहजीब देने वाला आपका मजहब है। आपने कभी अपनी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं, बड़े एग्जाम की तैयारी की नहीं, वरना आपको पता होता कि यहां से थोड़ा दूर शेरे मैसूर टीपू सुल्तान, उनके इलाके में श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के इलाके में 5,314 एकड़ जमीन टीपू सुल्तान ने मंदिरों के निर्माण में दी। अपनी नमाज को कभी ना कजा करने वाले, सिवाय अल्लाह के किसी और के सामने ना झुकने वाले, आपको मालूम है उनका नाम शेर मैसूर कैसे पड़ा था? फजर की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर एक बच्चा खून में नहाया हुआ पड़ा था और वो थर थर कांप रहा था और सामने एक शेर के दो टुकड़े, तो नमाजियों को यह बात समझ में आ गई कि इस बच्चे ने शेर से लड़ाई की है और शेर को मार दिया है, इस वजह से यह खून में नहा गया है, इसका मुंह धुलाओ, पता करो ये किसका बच्चा है। मुंह धुलाया गया तो पता किया गया, अरे ये तो रुकैया बेगम का बच्चा है, ये तो हैदर अली के खानदान से। इमाम साहब ने कहा कि उनके घर चलो, पूछो कि मां ने ऐसी कैसी परवरिश की है कि एक छोटे से बच्चे ने शेर को फाड़ दिया। जब सारा मजमा घर पे पहुंचा तो बाहर से आवाज देकर इमाम साहब ने पूछा, बीबी तुमने अपने बच्चे की परवरिश ऐसे कैसे की कि उसने इतनी कम उम्र में शेर के दो टुकड़े कर दिए? बीबी ने कहा कि
हुजूर मैंने कोई खास परवरिश नहीं की। कहा नहीं बीबी, जरूर कुछ खास किया होगा। कहा हुजूर मैंने कोई खास परवरिश नहीं की। नहीं बीबी, जरूर कुछ खास किया होगा। जब तीसरी बार भी उन्होंने कहा नहीं कोई खास परवरिश नहीं की, तो मायूसी के साथ मजमा घर के बाहर से लौटने लगा। तो बीबी ने आवाज़ देकर कहा कि जब ये शीर खारी में थे, जब मेरा दूध पिया करते थे अपनी माँ का, तो मैं एक अमल किया करती थी कि इनको दूध पिलाने से पहले वजू बनाया करती थी, शायद ये उसी वजू की ताकत है जिसने इनको इतनी कम उम्र में एक शेर को फाड़ने की ताकत दी है। वो शेर मैसूर, वो टीपू सुल्तान, उन्होंने मंदिरों के रख रखाव के लिए 5,314 एकड़ जमीन दी थी, ईसाइयों को चर्च बनाने के लिए उन्होंने 1400 एकड़ जमीन दी थी, और बाकी तो मस्जिदें उन्होंने कितनी तामीर करवाई आप उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आज ये कौन से दोराहे पे हम खड़े हैं कि अल्लाह के वलियों ने अपनी कौम के सबसे पसमांदा, जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, उनकी जिंदगियों के गुजर बसर करने के लिए अपनी जायदादों को वक्फ कर दिया था। यह वक्फ की जायदाद ना आपकी है ना मेरी है, यह अल्लाह के उन वलियों की है जिन्होंने अल्लाह के नाम पर उन गरीब घरों में चूल्हा जलाने के लिए अपनी आमदनी और अपनी जायदादों को वक्फ कर दिया था कि इससे आने वाले पैसे से गरीब, जिसे हम बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं, सबसे निचले, उनका गुजर बसर हो जाएगा। क्या वो जमीनें हमारी है कि वो जमीनें अल्लाह की है? और देने वाले ने अल्लाह के नाम पर किसके लिए दिया? अल्लाह की उस मखलूक के लिए जिसे कोई पूछने वाला नहीं है। ना वो जमीनें हमारी हैं, ना वो जमीनें सरकार की, वो अल्लाह की जमीनें हैं, और अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए दिलों में डाला तो अल्लाह के वलियों ने उसे वक्फ किया। आज वक्फ का एक कानून खत्म करने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, और इस वक्फ के कानून को खत्म करने से रोकने के लिए आपको जद्दोजहद करनी होगी। वक्त पड़ने पर आपको खड़ा होना होगा। मोमिन अपनी फरासत से देखता है। मैं आपसे कहता हूं अपनी फरासत से देखिए। आपकी बस्तियां वक्फ के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। क्या हैदराबाद के पुराने शहर के वक्फ नहीं है? क्या हैदराबाद का पुराने शहर में दरगाहें और मस्जिदें नहीं? क्या उन दरगाहों और मस्जिदों के इर्द गिर्द जो बस्तियां हैं वो हमारी नहीं है? वक्फ के बिल में क्लॉज है। क्लॉज क्या है? कि सारी वक्फ की जमीनें कलेक्टर के हाथ में होंगी, और कलेक्टर चाहे तो इसे सरकारी जमीनें घोषित कर सकता है। हम जानते हैं कि आजकल कलेक्टरों में और डिप्टी कलेक्टरों में किस तरह की आइडियोलॉजी पाई जाती है। क्या वो वक्फ की जमीनों को सरकारी जमीनें घोषित नहीं करेगा? हो सकता है फजर में वहां नोटिस चिपकाया जाए और जोहर में मस्जिद ही ना हो। तुम्हारे घरों की अब बारी है, तुम्हारे आशियानों की अब बारी है। पहले तुम्हारे नागरिकता को खत्म करने की कोशिश की गई। हमारी पढ़ी लिखी औरतों ने शाहीन बाग में बापर्दा एक सत्याग्रह किया, हम सबकी नागरिकताएं बच गई। वो हमारे बच्चों के लिए जद्दोजहद करती रही। उनमें से बहुत सारे बेगुनाह आज जेलों में हैं, उनके बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब बात नागरिकता की नहीं है, अब बात तुम्हारे आशियाने की है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो करना चाहिए
जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। सीरत नबवी पे चलते हुए हमें हर नाहक बात का विरोध करना चाहिए बिना डरे, क्योंकि ईमान का एक हिस्सा यह है कि इज्जतें और जिल्लतें अल्लाह के हाथ में हैं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। स्कैनर बाहर लगाए, आज आखिरी दिन है, ईमेल भेजिए। लेकिन आने वाले 2 अक्टूबर को, जब हमारे गांधी जी का भी बर्थडे है, एक बहुत बड़ा मुसलमानों का डेलीगेशन यहां से उठकर चीफ मिनिस्टर से मिलने भी जाइए। आपको फिर उठना होगा, फिर जाकर अपनी बात रखनी होगी। और सुन लो, वो आपकी जायदादें नहीं है, वो आपकी जायदादें नहीं है, ना सरकार की जायदादें हैं, वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह वालों की है। उसे बचाना इस वक्त ऐन फर्ज है हम सब पर। हमें उठना होगा और हमें अपना ये फर्ज निभाना होगा। अल्लाह के रसूल की एक आखिरी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। पीछे से एक इंसान थे सुराखा, वो तिल्लियों पे जादू किया करते थे, फेंका करते थे। तो उन्होंने देखा ये हिजरत कर रहे हैं हमारे आका, तो क्या मुझे इनका पीछा करके इन्हें गिरफ्तार करवाकर कुरैश को दे देना चाहिए, क्योंकि इनके सर पर इनाम है। तो सुराखा ने तिल्लियां फेंकी, उस तिल्लियों पे जो भी बना होता था अल्लाह ने उसे मिटा दिया और लिखा खबरदार आगे मत बढ़ना। सुराखा बहुत देर तक हंसते रहे कि ये तिल्लियों को आज क्या हो गया। घोड़ा मंगाया, घोड़े से पीछा किया, अल्लाह ने तूफान चला दिया। घोड़ा थोड़ी देर बाद गया और सुराखा को उठा के पटक दिया उस तूफान में। जब कमर पे चोट लगी तो रेंगते हुए आगे बढ़े और कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल पलटे, हाथ पकड़ा और कहा कि सुराखा, वो भी क्या दिन होगा जब कैसर और किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। सुराखा को गशी आ गई आंखों में जलाल देखकर। अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक जब चले गए, बहुत देर बाद होश में आया, बहुत देर तक हंसता रहा कि जिस इंसान की जिंदगी का आज सबसे दुख भरा दिन है कि उसे अपने पसंदीदा शहर मक्का को छोड़कर जाना पड़ रहा है, जिस इंसान की आज हिजरत है, वो मुझे कैसरो किसरा के कंगन की बशारत दे रहा। अल्लाह के रसूल चले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। उनके जमाने में सुराखा के कबीले ने कलमा पढ़ा, ये मुसलमान हुए। अब इनको लगने लगा कि शायद, और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने में कैसर और किसरा फतेह हुआ, वहां से बड़े बड़ी चीजों को मदीना भेजा गया। हजरत उमर के सामने डब्बे आते, वो उन डब्बों के खजानों को गरीबों और मुफलिसों में बांट देते। फिर एक डब्बा आया, उसे खोला तो उसमें कैसर यानि रोम के और किसरा यानि ईरान के बादशाहों के कंगन थे। हजरत उमर ने कहा कि सुराखा को बुला के लाओ। हजरत सुराखा रजी अल्लाह ताला, तब तक के वो इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, हजरत उमर ने उन्हें अपने तख्त पर बिठाया, अपने हाथों से कंगन पहनाए और वहां जितने सहाबा खड़े थे वो रोने लगे कि जाने वाले ने कभी ये बताया था। और अल्लाह अकबर की सदाएं और नारे तकबीर की सदाएं वहां बुलंद हुई। मैं मुसलमानों, इस वक्त हमारी भी जिंदगी का सबसे लो पॉइंट है। हमारे बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ दिया जा रहा है, हमें किसी सोसाइटी में
घर खरीदने, हमारे मजहब की शिनाख्त की बिना पर घर नहीं खरीदने दिया जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जैसा वक्त कभी था, बिना मुसलमानों के किसी बस्तियों की नींव नहीं डाली जाती थी, जब किसी लड़की को अकेले सफर करना होता और वालिद उसके साथ नहीं जा पाता तो वो हर ट्रेन के डब्बे में झांका करता था, और जब उसे दाढ़ी वाले दिखते तो पास आकर कहता, हुजूर मेरी बेटी वहां तक जाएगी, मैं गैर मुस्लिम हूं लेकिन मैं अपनी बच्ची को आपके पास बिठाना चाहता हूं, यहां सेफ रहेगी। कभी हमारी ईमानदारियों पे इतना भरोसा था, वो भरोसा वापस आएगा, वो दिन वापस आएंगे, बशर्त है हम अपने बच्चे को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दें, हम उसे दुनिया में ऊंचे से ऊंचे ओहदे की तैयारी करवाएं। क्योंकि सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना खलीफा बनाकर भेजा, हमने जब से पढ़ाई छोड़ दी हम ठेला ढकेलने वाले, पंचर बनाने वाले बनकर रह गए, हमें अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची दुनियावी तालीम दिलानी होगी। लेकिन ऊंची से ऊंची दुनियावी तालीम लेने वाले और बदले में दीन ना पढ़ने वाले, उन्होंने गाजा का क्या हाल किया है हमने देख लिया, उनका दिल मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल की तहजीब और तमीज दीन से आती है। दिल बादशाह है, दिल की हुकूमत हमारे पूरे जिस्म, हमारे पूरे परिवार, पूरे मुआशरे पर है। आप में से हर इंसान जहीर भाई से मोहब्बत करता है क्योंकि आप जानते हैं उनका दिल जिंदा है, और वही दिमाग वजीर है। दिमाग की जिंदगी दुनियावी ग्रेजुएशन से आती है। अपने वजीर को कॉलेज भेजो, अपने वजीर को यूनिवर्सिटी भेजो, उसे खूब पढ़ाओ ताकि तुम्हारे औलादें हलाल की रोजी का बंदोबस्त तुम्हारे परिवार के लिए कर सके, तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए कर सके। इसलिए इसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस बनाने यूनिवर्सिटियों में भेजो। लेकिन वहां जो गया उस चकाचौंध में खो गया, ऐसा तुम्हारी औलादों के साथ ना हो, इसलिए ये भी करो कि उसके दिल की एजुकेशन के लिए उसे मदरसे में भी भेजो, उसे ऐसी महफिलों में भेजो जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो और उनका दिल जिंदा रहता हो। वरना तुम्हें एक औलाद मिलेगी जो तुम्हें किसी पुराने सेंटर पे छोड़कर चली जाएगी, जैसा दुनिया की हर सभ्यताओं में होता है। हमारे अच्छे दिन वापस आएंगे, हमारी खोई हुई इज्जत, अजमत, सब कुछ वापस आएगी, बशर्त है हम अपने बच्चों के दिलों के एजुकेशन का इंतज़ाम दीन से करें और अपने बच्चों की दिमाग की एजुकेशन का इंतज़ाम दुनिया से करें। इसके बिना हमारा दिल भी मरा हुआ है, हमारा दिमाग भी मरा हुआ है, और जिस कौम का दिल और दिमाग मरा होता है ना, उसकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर लिए जाते हैं, उनकी बच्चियों की असमतें लूटी जाती हैं, उनके बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला जाता है। इसलिए ऐ शानदार लोगों, जो बहुत दूर से अपने रसूल की सुन्नत अदा करने आए हो, मैं आपसे आज आखिरी गुजारिश यही करता हूं, उठो अपने हक के लिए लड़ो। किसी को किसी का हक नहीं मिलता। किसान बैठे थे वहां दिल्ली की सरहदों पर, तुम्हें मालूम है तुम्हें दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली की चाबी आजकल किसके पास है, उस तक अपनी बात पहुंचाने की जरूरत है। और दूसरा, अपनी औलादों को तैयार करो, पढ़ाओ लिखाओ और इतना काबिल बनाओ कि उनके पीछे दुनिया चलनी चाहे। 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, अंग्रेज़ों ने आज तक दुनिया के 100 महान लोगों की रैंकिंग पे जितनी किताबें लिखी हैं
उसमें नबी पाक का नाम नंबर वन पर है। और फिर आगे वो लिखते हैं कि हम तो जीसस क्राइस्ट के मानने वाले थे, हमें तो जीसस क्राइस्ट को नंबर एक पे रखना चाहिए था। क्या हम मुसलमानों से नहीं चिढ़ते तो फिर इनके पैगंबर को नंबर वन पे क्यों रखा है? तो जवाब है कि जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहि सलाम इनके अकीदे के मुताबिक मोहब्बतें फैलाने आए थे और सिर्फ मोहब्बत लेकर आए थे, लेकिन आपके आका अल्लाह के रसूल इकोनॉमी लाए थे, संविधान लाए थे, मोहब्बत लाए थे, औरतों के हुकूक लाए थे, बस्तियां बसाना लाए थे, सभ्यताएं और तहजीबें लाए थे। और सिर्फ दिया नहीं, जाने से पहले हमें हर फील्ड में नंबर वन बना गए थे। तो बस मैं आपसे इसी बात पर ये विदा लेना चाहता हूं कि आप भी दुनिया की हर फील्ड में अपने बच्चे को नंबर वन बनाइए, दीन और दुनिया के वो काम आ सके, इसके लिए आज से जद्दोजहद शुरू करिए। और अपने हक के लिए खड़ा होना भी अल्लाह की असल इबादत है। अगर बदर के दिन वो 313 नहीं खड़े होते तो आज हम इस मस्जिद में नहीं होते। हमें खड़ा होना होगा, हमें लेटर लिखने होंगे, हमें अपनी बात पहुंचानी होगी। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।